Ambulance Rajasthan. Ruma Devi received the Nari Shakti Puraskar 2018, the highest civilian honor for women in India.
के बारे में सोचना एक बहू बेटी के लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि
क्योंकि उन्होंने 2 मिनट में रहना है, उनको घर का काम करना है, वही इनका जिंदगी। लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसे आई मेरे साथ में जिसकी वजह से मैं खुद को नहीं रोक पाई। मैंने कहा नहीं, मुझे तो कुछ काम करना ही है, ऐसे अगर जीते रहेंगे तो कैसी जिंदगी होगी। तो इसी जिद के साथ में मैंने जो पहला कदम रखा वो मेरा बहुत ही बड़ी चुनौती के साथ था और उसको मैंने पार किया। उसके बाद मैंने किसी से मुझे नहीं देखा कि आगे क्या होने वाला है, क्योंकि मैंने जब काम शुरू किया, बहुत छोटा काम, सुई धागे का काम, को कभी छोटा मत समझना, क्योंकि यही एक सबसे छोटा काम था जो मुझे सबसे बड़ी जगह पे ले गया। तो मैं आप सभी से यही कहना चाहूंगी कि आप कोई भी काम करें, कभी किसी को छोटा नहीं समझे, जो आपको समझ में आता है वो करना चाहिए, किसी की नहीं सुननी चाहिए। मैंने भी ऐसा ही किया कि मुझे नहीं पता था मैं इतने बड़ा काम कर पाऊंगी या इस काम से कोई अवार्ड मिलता है। तो ये चीजें होती गई, मतलब अपने बदन से काम कर रहे हैं तो ये अपने आप रास्ता मिल पा जाएगा। जी मैम, अब हमारे साथी आपसे बहुत सारे सवाल किए जाते हैं, एक एक करके मैं सबकी सवाल करूँ। सबसे पहले हमारे साथी काव्य गाड़िया आपसे सवाल उठे। काव्य, फैशन डिजाइनर बनने के लिए अच्छी ड्राइंग बहुत जरूरी है? नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं है, क्योंकि अपन पहले तो सोचते हैं कि मुझे तो ये ड्राइंग करना नहीं आता है, फिर हम काम कैसे करेंगे, हम नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब परिस्थितियाँ ऐसी होती है तभी ड्राइंग भी सीख जाते हैं और जो आगे उनके संबंधित जो काम होते हैं वो अपने आप सीख जाते हैं। तो कभी ये भी मत सोचना कि ये काम मुझे आता नहीं, मैं कैसे कर पाऊँ। आप ट्राई करो, कोशिश करो, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जी हाँ, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जी साथियों, आप जब हमारे दूसरे साथी सवाल पूछेंगे तब प्लीज अपने आप को मुझे चाहिए। प्रांजल, अब प्रांजल के पास आपके लिए सवाल तैयार है। हेलो मैम, मेरा नाम प्रांजल है, मैं भरतपुर से हूँ और मैं आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ कि एक फैशन डिजाइनर बनने के लिए क्या क्या चीजें महत्वपूर्ण होती हैं? देखिए, वैसे तो फैशन डिजाइनिंग के लिए सब कोर्स करते हैं, 4 साल का कोर्स होता है, कॉलेज में वो पढ़ने जाते हैं, सारा होता है। लेकिन मैंने जो किया है वो मैं पढ़ी सिर्फ 8 दिन का थी, लेकिन मुझे PhD की डिग्री मिल चुकी है। तो ये जो अपन पर्टिकुलर काम कर रहे हैं और एक पढ़ रहे हैं उसमें भी काफी फर्क होता है। तो मैं तो सोचती हूँ कि जो अपन हाथ से काम करते हैं उससे ज्यादा जल्दी सीखते हैं। फैशन डिजाइनिंग की डिग्री तो मेरे पास नहीं है, लेकिन फैशन डिजाइनर जरूर हूँ, क्योंकि जो अपने अंदर की लगन है उससे काम करते हैं तो हो ही जाता है। लेकिन आप सबके पास तो मौका है, आप कुछ भी कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, पढ़ के भी बहुत सारा काम करते हैं। क्योंकि मुझे भी लगा कि अगर मैं ज्यादा पढ़ी की फोटो तो शायद ज्यादा करता। जी मैम, अब रौनक जैन के पास आपके लिए सवाल तैयार है। सबसे पहले तो आपको शेड्यूल बना के रखना है कि हमें कितने घंटे पढ़ाई करनी है, कितने घंटे हमें टीवी देखना है या फोन देखना है, या हम जो हमारे पास में टाइम है उसका उपयोग कर सकते हैं बड़े लोगों के साथ में बैठ के, उनके लिए कुटुंब उद्योग जो होते हैं घर के लिए वो कर सकते हैं, आप सब्जियां लगा सकते हैं, गार्डन लगा सकते हैं, आपको मतलब जो देखिए, अभी आप और हमें किसने मिलवाया? फोन में, इंटरनेट में, तो इसका हम सही उपयोग करेंगे। तो इंटरनेट के माध्यम से सब लोगों के पास में पहुंचेगी कि उन्होंने इतनी अच्छी ड्राइंग बनाई है, और सारे लोग आपको पूछेंगे कि ये हमें कहाँ पे मिली है।
तो आप इसका सदुपयोग कर सकते हैं। वैसे मुझे भी विश्वास नहीं हुआ था जब उनका कॉल आया कि हमने आपको करोड़पति, कौन बनेगा करोड़पति, ऐसे में आपको सिलेक्ट किया है। तो मैंने सोचा कि ये हो सकता है, मैं तो पढ़ी लिखी नहीं हूँ, आप भी तो क्वेश्चन जवाब होते हैं, तो वहाँ जाके मैं क्या करूँगी। तभी उनका मेल आया सोनी सेना से कि हम फ्राइडे को एक स्पेशल शो करते हैं, उसमें जो अच्छा काम करते हैं उनको सिलेक्ट करते हैं। तो आपके बारे में सबने किसी के जरिए सुना और आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए हम आपको फ्राइडे को स्पेशल शो के लिए इनवाइट कर रहे हैं और आपको क्रम भी अवार्ड दिया जाएगा। कितना मिला मैम आपको? मैम आपको प्राइस कितना मिला? 12,60,000। उसमें फिर मेरे साथ में सोनाक्षी सिन्हा जी जो एक्टर्स है, फिर उनको इनवाइट किया गया, वो मेरे मेरे साथ जी। आप लोग भी बहुत कुछ सीख सकते हैं।
लाल नीला का ये आइडिया कैसे लगा कि बच्चे अपने ख्याल सीधा सरकार को बता पाए? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा और ये हम सबको एक प्लेटफॉर्म पे लेके आया है। हमें एक दूसरे से जान पहचान करवाई है, एक दूसरे के आइडिया सुनने को मिलेंगे और बच्चों के कितना अच्छा, बच्चों को मदद करने के लिए आयोजन किया गया है। मैम जब आपने काम शुरू किया जब आप कितने साल के थे? मैं 19 साल की थी। मैम जिसकी
कंफ्यूजिंग है
तो भी आपकी शौक होगी। तो ऐसे करके आप ज्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं और आप उसका लाभ भी ले सकते हैं। अब प्रीति आपसे सवाल पूछना चाहती है। हौसला आपका सबसे इम्पोर्टेंट होता है। जो बच्चे हैं तो वो आप कभी हौसला बढ़ा रहे, क्योंकि हौसले ही मिलता है आपको। आपने अगर ठान लिया कि मुझे फैशन डिजाइनर ही बनना है तो आप इजीली आप कर पाओगे, फैशन डिजाइनिंग का कोर्स कर पाओगे, फिर बड़े फैशन डिजाइनर बन सकते हैं। और अच्छे जो लोग हैं गांव में बैठे हैं जिनके पास में इनकम नहीं है, आप उनके बीच में जाके उनके लिए काम कर सकते हैं। आप डिजिटल बाल मेला में पार्टिसिपेट कर रहे बच्चों को क्या मैसेज देना चाहती हैं? मैं बच्चों को यही कहना चाहूंगी कि जो आपके अंदर खूबी है उनके जरिए आप आगे बढ़े, कभी हौसला ना खोए। अगर आपको कभी कंफ्यूजिंग लगता है तो आप और लोगों से पूछ सकते हैं, अपने पेरेंट्स को खुल के बात कर सकते हैं। कभी कभी पेरेंट्स तो ऐसा होता है कि नहीं, मैं तो मेरे बेटे को डॉक्टर भी बनाऊंगा लेकिन उसके तो रुचि है कुछ और करने का, वैज्ञानिक बनने का, इंजीनियर बनने का। तो आप सबसे पहले तो पेरेंट्स को ये जोड़ना चाहिए, क्योंकि पेरेंट्स भी साथ में तो बच्चों के साथ में बैठे हैं, अगर सुन रहे हैं तो ऐसा जो बच्चों के उनके आधार पर चले, ना कि अपना जो परिस्थितियाँ ऐसी थी कि जो लोग
करते हैं वो गूगल पे से थोड़ी आइडियाज लेते हैं या फिर सिर्फ अपना ही क्रिएशन से काम करते हैं? देखिए, आज से 12-13 साल पहले जब मैंने काम शुरू किया था उस टाइम मैं गूगल के बारे में नहीं समझती थी, मेरे पास इतना बड़ा फोन नहीं था, सिर्फ छोटा वाला फोन था, तो ये सारी चीजें हमने ऐसे ही सीखी। लेकिन अब जो गूगल भी है अपने पास में, जो अपने चाहिए गूगल जाना है तो इसका उपयोग भी करना चाहिए। हमने एक बिजनेस शुरू किया था हाथ हैंड टेले बनाने का।
कहाँ पे? यस मैम, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में। अच्छा, हमने संपूर्ण हाउस एंड थैले इस तरह से सिलवाई थी। यस मैम, बट कोरोना काल में सेल नहीं कर पाए हम, तो सब कुछ हमारा क्लोज हो गया। क्योंकि जो भी आपने प्रोडक्ट बनाए हैं, कोरोना काल निकलते ही आप फिर से कोशिश करिए, क्योंकि जब अपने पास में कोई मुश्किल आती है ना, तभी अपन को नया रास्ता मिलता है। तो इसमें आपको हिम्मत नहीं हारनी है, आगे ये काम जारी रखना है, और एक दिन आप सबसे जरूर होंगे। मिल सकते हैं क्या? बिल्कुल मिल सकते हैं, आप बाद में बता दिए कभी। मैम मैं आपकी फेसबुक आईडी पे ऑलवेज रहती हूँ, हर चीज पढ़ती हूँ, हर चीज देखती हूँ, हर प्रोग्राम भी देखती हूँ आपका। प्राउड आता है, बहुत प्राउड आपके साथ। सुरमा दीदी, आपने इतनी सारी चीजें बताई, हमारा समय किस तरह से हम सदुपयोग कर सकते हैं, लेकिन क्या कुछ ऐसा है कि जो बच्चे स्पेशली ऐसा कर सकते हैं अपने समय को अच्छी तरह इस्तेमाल करने के लिए? अभी देखिए, अपन कोरोना काल में अपनी क्लासेज ऑनलाइन चलती है, तो बच्चों के पास फोन रहता है, लेकिन कभी अपन को ये नहीं आइडिया लगता कि फोन की हमें लत लगती है, तो फिर वो टाइम पूरा वेस्ट होगा। तो फोन तो इतना ही उपयोग करें जितना आपने सदुपयोग हो, जितनी अपनी क्लास चल रही है उस टाइम यूज करें, बाकी टाइम फोन यूज ना करें। और अपने मम्मी को, मम्मी की क्या खूबी है वो जानिए, और मम्मी का सहयोग करिए कि मम्मी आप ये प्रोडक्ट बनाइए, हम आपकी मदद करेंगे सेल करने में, क्योंकि किसी की मम्मी पढ़ी लिखी है, किसी की मम्मी पढ़ी लिखी नहीं है, तो आप उनके प्रोडक्ट को इंटरनेट के माध्यम से आप लोगों को दिखाएं और उनके काम को आगे बढ़ाएं, क्योंकि ये टाइम है तो आपकी मम्मी को भी लगेगा कि मेरे बच्चे कितने होनहार है, कितने काबिलियत है उसमें, जो मेरे Yeah.
यू, बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसा इतना शानदार इंट्रोडक्शन आपने दिया, पहली बार मैं चुन रही हूँ, बहुत अच्छा, थैंक यू। आपको बता दें कि हमारी साथी लावण्या सिर्फ 6 साल की है। इन्हीं छोटे छोटे बच्चों के लिए छोटे छोटे प्रयास किए हैं डिजिटल बाल विद्या में, और इसके लिए आपने इतना समय निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैम आप कभी इंडिया के बाहर गई हैं? मैं बिल्कुल काफी कंट्रीज को गई हूँ हमारे प्रोडक्ट लेके, वापस सेल किया है, फैशन शो किया है। मैम इंडिया के आउट ऑफ इंडिया वहाँ गई हूँ। साथियों हमारे बहुत सारे सवाल बाकी हैं, लेकिन अब वोट ऑफ थैंक्स के बाद हम और सवाल नहीं लेंगे, बाकी सवाल कल तक ही सेशन। बहुत बहुत धन्यवाद सब बच्चों से मिलके, बहुत अच्छा लगा, ऐसे ही आप आगे बढ़ते रहे, प्रगति करते रहे, आपके उज्जवल भविष्य की बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी जुड़े। एक बार फिर धन्यवाद करना चाहूंगी जिन्होंने बाल मेला आयोजित किया है, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी नानी माँ या दादी माँ के साथ मिलके जब भी तोड़ सकते हैं। जी बिल्कुल, आप नानी और दादी के साथ में बैठ के कहानियाँ सुनना, उनकी लाइफ के बारे में जो जानना, क्योंकि जो आपका बचपन है और उनका बचपन कैसे गुजरा है वो आप सुनोगे तो आपको बहुत सारा सीखने को मिलेगा। आप किस नाम से हैं? फेसबुक पे किस नाम से हैं आप? एमबीबी फेसबुक पे रुमा देवी, बस इतना ही जानना है। और हमारा वेबसाइट है www.rumadevi.com। आपसे अनुमति लेती हूँ। धन्यवाद।